सारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। देखिए भाइयों, मैं पिछले बार असम राइफल की वीडियो में क्या बताया था, देखिए भाई 30 तारीख को जो है इसका जो शुरू होने वाला था, हम लोग कुछ दिन वेट कर लेते हैं। जैसे बीएसएफ की ट्रेड्समैन के ऑनलाइन अप्लाई में कुछ दिन टाइम लगा था, तो सर्वर वगैरह कुछ वर्किंग में रहता है, तो मैं आप लोग को बताया था। तो अभी और एक खुशखबर आ चुका है असम राइफल ट्रेड्समैन की भर्ती की संबंधित, अभी इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में रैली की नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसका फॉर्म अप्लाई डेट कब शुरू होगा, क्या होगा, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो भाई, जो भाई पहली बार वीडियो देख रहे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए भाइयों, खुशखबरी आप लोग के सामने है, ठीक है। तो 13 अप्रैल को इसका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, अभी इससे पहले आप लोग का आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, इसका नोटिफिकेशन लीक हो चुका है, तो 13 अप्रैल को दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख लो अप्लाई डेट, रैली अप्लाई डेट कब है, ठीक है, 6 जून से शुरू है, 20 जुलाई से इसका खत्म है। तो रैली का डेट कब शुरू होगा, आप लोग का 1 सितंबर से शुरू होगा। तो आप लोग को किस में अप्लाई करना है, आसाम राइफल्स .gov.in में आप लोग अप्लाई करना है, और SBI चालान आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड आप लोग को चालान देना पड़ेगा, 100 रुपये का चालान आप लोग को देना पड़ेगा, सॉरी 200 रुपये का, ठीक है भाई, गलती में बोल दिया, 200 रुपये का देना पड़ेगा। बाकी आप लोग को जो ग्रुप सी पोस्ट है, रिलीजियस टीचर, ब्रिज एंड रोड पोस्ट को छाड़ के, एप्लीकेशन फी आप लोग को 100 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। SBI का नंबर दे रखा है, अकाउंट, ठीक है, सब चीज दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज देख लो। तो सेंटर ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, कौन सा सेंटर में आप लोग को फिजिकल होगा और रनिंग होगा, देख लो कहाँ सेंटर है आपको। एक डिप्पू आसाम में होगा, काबिलवांग आसाम में होगा, सुखो नागालैंड, दिमापुर नागालैंड, सिलचर मसिमपुर आसाम, हापलोंग आसाम, इस सारे चीज में आप लोग का होगा, ठीक है। तो आप लोग फिजिकल टाइम, फिजिकल स्टैंडर्ड टाइम सब कुछ आप लोग को बता दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ हम लोग की ये चीज़ आप लोग को देख लो, ठीक है। तो आप लोग का एज, सबसे बड़ी चीज़ है भाई एज है, एज आप लोग को ले रखा है 1 अगस्त 2022 के अंदर 18 से 23 होना चाहिए। आप लोग को एज क्या होना चाहिए, 1 अगस्त 1999 से 2001 अगस्त 2004 के अंदर होना चाहिए, ठीक है भाई, देख लेना भाई ये चीज़, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगा देख लो, 5 साल SC ST OBC 3 साल, ठीक है। तो आसाम राइफल पर्सनल जो है जनरल उनको मिलेगा, ठीक है, जो क्लर्क के लिए उनको मिलेगा, आसाम राइफल जो है SC ST का उनको क्लर्क का जो प्रमोशन भी दे सकते हैं, ठीक है, एग्जाम। उसके बाद भाई देख लो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, 170 सेमी हाइट है, किस किस के लिए, ठीक है। आप लोग को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उनके लिए नायब सूबेदार, रिलीजियस टीचर, वारंट ऑफिसर, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, वारंट ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक, ठीक है, हवलदार, ऑपरेटर लाइन, नर्सिंग असिस्टेंट, राइफलमैन, लेबोरेटरी आर्मर, राइफलमैन, वाशरमैन, ठीक है, इनके लिए 170 हाइट और 80-85 ये रहेगा, ठीक है। तो रहेगा और आप लोग ये दिखा देता हूँ, नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड के लिए उनके लिए क्या रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड, उनका भी 170 रहेगा, फीमेल का 155 रहेगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसमें जो दिख रखा है मेल का लिख रखा है, इसमें मेल और फीमेल का लिख रखा है दोनों का, देख लिया ना भाई, देख लो आप एक चीज़ का। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, महिलाओं के लिए क्लर्क फॉर्म डाल सकते हैं, ये चीज़ आप देख लो। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है 165 सेमी आप लोग का हाइट हो रहेगा, लड़कों के लिए 155 सेमी फीमेल की, ठीक है, 77-82 चेस्ट एक्सपैंड के, ठीक है। बाकी चीज़ इनका तो जिस और उसका रहेगा आप लोग का आया और पैरामेडिकल के लिए, ठीक है, पैरामेडिकल के लिए 157 हाइट रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, बाएं तरफ देख लो, ठीक है, लड़कों के लिए क्या रहेगा, 5 किलोमीटर रनने के लिए 26 मिनट में, ठीक है, सभी के लिए। महिलाओं के लिए 16 मीटर 8 मिनट 30, ठीक है। बाकी लद्दाख रहने के लिए जो लड़के हैं वो 16 मीटर आप लोगों को 6 मिनट 30 रहेगा, ठीक है, और महिला के लिए 800 मीटर 4 मिनट में रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को इसमें क्या लिखा गया है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के साथ आप लोग का डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे डॉक्यूमेंटेशन पास हो जाओगे तो उसके बाद आप लोग को ट्रैक टेस्ट में बुलाया जाएगा। उसके बाद आप लोग रिटिन मार्क होगा, 100 मार्क की आप लोग का रिटिन होगा, ठीक है, 100 मार्क से जितना मार्क रखे उसमें आप लोग का ये होगा। उसके बाद मेडिकल होगा, डिटेल मेडिकल, ठीक है, मेडिकल जैसे होता है वैसे ही होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट होगा, उसके बाद ट्रेनिंग किया जाएगा। ट्रेनिंग में जब तक आप लोग का ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, तब तक आप लोग को पक्का नौकरी नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद ट्रेड और रैंक के अनुसार देख लो। सबसे बड़ी चीज़ ब्रिज और रोड क्या है, आप लोग का मेल और फीमेल दोनों डाल सकते हैं इसमें, पर सब देखिए इसमें से कुछ फॉर्म जो है लड़का डाल सकते, लड़कियों डाल सकते, कुछ नहीं डाल सकते, ठीक है, ये देख लो। नायब सूबेदार, ठीक है, मैट्रिक पास होना चाहिए, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। उसके बाद क्लर्क का मैं आप लोग बताया था, हवलदार क्लर्क का 10th+2 होना चाहिए, और आप लोग को
क्या पास होना चाहिए आप लोग को, टाइपिंग वर्ड देखिए दो वर्ड मारना पड़ेगा। यदि आप लोग को इंग्लिश में मारेंगे 35 वर्ड पर मिनट, यदि आप हिंदी में मारेंगे 30 वर्ड, इनमें से एक में आप लोग को टाइपिंग करना। रिलीजियस टीचर सिर्फ मेल लड़के जहाँ से नायब सूबेदार, ठीक है। ग्रेजुएशन में आप लोग को क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन आप लोग को संस्कृत में और भूषण इन हिंदी, ठीक है, संस्कृत में मध्यमा और भूषण इन हिंदी में करना चाहिए 18 से 30 साल, बहुत एज ले रखा है भाई। उसके बाद ऑपरेटर रिटेट, ठीक है, मैं आप लोग बता देता हूँ एक वीडियो में इसका क्या है, इसका ITI होना चाहिए और इसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए प्लस टू में। यदि जो इस भाई का 10th के बाद ITI है रेडियो टेलीविजन में इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया था पिछले बार वीडियो में, इसको बता रखा हूँ, ठीक है, तो ये उनको ये डालेंगे वो इसमें ट्रेड ऑपरेटर में डाल, उसके बाद रेडियो मैकेनिक, ठीक है, 10th पास होना चाहिए जो रेडियो टेलीविजन में जो ITI के वो डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। तो आप लोग देख लिए, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जिसका है वो 12th पास है वो साइंस वाला फॉर्म डाल दे 18 से 23 साल, हवलदार रैंक रही। उसके बाद आर्मरर, ठीक है, आर्मरर की क्या है, मैट्रिक पास होना जरूरी है आर्मरर पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट राइफल मैन की है, 10th पास होना चाहिए और इंग्लिश मैथ्स साइंस बायोलॉजी होना चाहिए 10th में, ठीक है, मतलब मैट्रिक पास होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट के लिए वही इंग्लिश मैथ्स साइंस बायोलॉजी रिकॉग्नाइज, बायोलॉजी पक्का होना चाहिए 18 से 23 साल एज। उसके बाद वेटरनरी के लिए 10th प्लस टू होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट वेटरनरी साइंस में होना चाहिए। आप लोग एज लिमिट 21 से 23, बाबरे बहुत कम एज ले रखा है, ठीक है। तो आया के लिए देखिए, आया पैरामेडिकल सिर्फ महिलाओं के लिए आया है 18 से 25 साल है, ठीक है, 10th पास होना चाहिए, महिला आया में डाल सकते हैं। उसके बाद वाशरमैन में, ठीक है, सिर्फ लड़कों के लिए 18 से 23 साल, मैट्रिक पास होना जरूरी है। अब देख लो दोस्तों, और स्टेट वाइज आप लोग का कितना कितना वैकेंसी है, ठीक है, ये जो PDF आप लोग को कहाँ मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा आप लोग को, हमारे टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, ठीक है, ठीक है। आप लोग देख लो कितना कितना क्या है, अब स्टेट वाइज ये वैकेंसी है, ठीक है, और स्टेट वाइज इसका वैकेंसी, ओडिशा के लिए देखिए 51 पोस्ट है, ठीक है, ठीक है। और भाई एक ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का कब शुरू हो जाएगा फॉर्म, आप लोग का शुरू हो जाएगा 6 जून से और 20 जुलाई तक, जल्दी जल्दी भाई तैयारी कर लो, वीडियो आती रहेगी, आप लोग को चैनल को वीडियो को देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।